प्रणाम हिंदुस्तान। वो कहते हैं ना कि जो आप बोओगे वही आपको काटना पड़ेगा, और सत्यमेव जयते। और एक चीज और बोली जाती है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति की हमेशा इति होती है। अगर आप किसी शासककर्ता के तौर पर बहुत निरंकुश बन जाते हो, बहुत अहंकारी बन जाते हो, आप कानून को धता बताते हो, जो जनता आपको चुन करके भेजती है उनकी अवहेलना करते हो, उनको नहीं पूछते हो, तो उसके बाद ईश्वर का चक्र चलता है। कृष्ण भगवान अपना चक्र चलाते हैं और उस चक्र की जो मार होती है ना, वो बहुत खतरनाक और बहुत खराब होती है। और न्याय की जो चक्की होती है वो पीसती बहुत धीरे है, लेकिन पीसती बहुत महीन है। और ये सारी बातें मैं बोल रही हूँ उस फासिस्ट सरकार के बारे में जो बैठी हुई है आज निरंकुशता की हर पराकाष्ठा पार करते हुए महाराष्ट्र के अंदर, और खास तौर पर उस पार्टी के लिए जिस पार्टी से हमें बहुत उम्मीदें थी। हमने सोचा था कि वो एक ऐसी पार्टी है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है और न्याय के साथ खड़ी होती है। उनके लिए पद से ऊपर जनता है, न्याय है और सब लोगों का भला है। मैं बात कर रही हूं शिवसेना की। और ये जो उनका आचरण है वो हम देखते रहे जून के महीने से सुशांत सिंह राजपूत के केस में। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा जिनके बोल बहुत खराब रहे, जिन्होंने बहुत गंदी शब्दावली का इस्तेमाल किया, जिन्होंने लोगों का बहुत ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत तौहीन करी, उनके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोली, संजय राउत, जिसको देखो उसको वो बोलते रहे कुछ ना कुछ। उनके पत्नी को जब ईडी ने समन भेजा तो उन्होंने बातें कर डाली, मैं तो नंगा आदमी हूं, मैं ये उखाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, देख लो जिसको जो उखाड़ना है, और मैं देख लूंगा ईडी क्या उखाड़ती है। मतलब एक तो मुझे ये समझ भी नहीं आता, ये उखाड़ना, पटकना, गिराना, उठाना, ये कौन सी शब्दावली होती है भाई? संजय राउत जी, आप राज्यसभा के सांसद हैं, आप शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता हैं, आप एक संपादक हैं, एक सामना मुखपत्र जो आप लोगों का है उसका आप पत्रकार रहे हैं, और आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब समझ में नहीं आती मुझे तो बात आपकी। और उसके बाद आज उनकी पत्नी को ईडी के सामने जाना था, लेकिन वो कल ही चली गई, और तब इनका जो दंभ था वो जाने कहां चला गया। खैर अच्छी बात है गई तो, लेकिन कल 3.5 घंटे ईडी ने जो उनसे बात करी है वो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, यानी कि वर्षा राउत का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। अभी उनको दोबारा से समन भेजेगी ईडी और उसके बाद उनसे पूछताछ प्रॉपरली की जाएगी। यानी कि ईडी ने अभी वर्षा राउत से वो 55 लाख का जो सो कॉल्ड लोन उन्होंने प्रवीण राउत की पत्नी से लिया है माधुरी राउत से, उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चंस करेगी कि भाई आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपने उनसे ये 55 लाख रुपए लिए, वो 55 लाख रुपए आपने कहाँ इन्वेस्ट किए, उसके ऊपर आपने ईएमआई दी कि नहीं दी, दी तो उसके बैंक डिटेल्स कहाँ हैं, उसके बाद आप उसमें डायरेक्टर हैं कि नहीं है, आपका प्रवीण राउत और माधुरी राउत से क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी संबंध है वो बताइए, HDIL जो वधावन ब्रदर्स की कंपनी है उससे आपका क्या लेना देना है, आप कितनी कंपनियों के अंदर डायरेक्टर हैं, कितनी कंपनियों में डायरेक्टर रह चुकी हैं, आपकी कितनी चल और अचल संपत्ति है देश और विदेश के अंदर। ये तमाम प्रश्न हैं जो क्रॉस क्वेश्चंस के तौर पर उनसे पूछे जाएंगे। ये प्रश्नों की एक सूची मैंने कल भी अपने वीडियो में डाली थी, आप लोगों ने देखी नहीं है, निवेदन करूंगी कि उसको आप जरूर देखिएगा। लेकिन इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पूर्व सांसद है शिवसेना के, नेताजी, बड़े वाले नेताजी, उनके तरफ जो इन्वेस्टिगेशन की सुई है ईडी की वो घूम गई है। और यह पता चला है कि ये जो पूर्व सांसद हैं, बड़े वाले जो नेताजी हैं शिवसेना के, उनको प्रवीण राउत ने करोड़ों की ट्यून में उनके ट्रस्ट को फंड्स ट्रांसफर किए हैं। 100-200 हजार लाख रुपए नहीं साहब, करोड़ों रुपए उनके ट्रस्ट को ट्रांसफर किए हैं। अब प्रवीण राउत को आप जानते हैं, संजय राउत के करीबी, उनके भाई, उनका परिवार, उनके परिवार के सदस्य, सारा कुछ है। तो भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई प्रवीण राउत को, जिनके ऊपर 95 करोड़ डकार जाने का पूरा दारोमदार है, उनके ऊपर ये इल्जाम है, उनके ऊपर ये आरोप है कि वो 95 करोड़ खा चुके हैं पीएमसी के, उसमें से करोड़ों रुपए उन्होंने ये सांसद साहब को क्यों ट्रांसफर किए, उनके ट्रस्ट को किसने बोला, क्या राजनीतिक समीकरण है। अगर ईडी की बात माने तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ये सारा जो घोटाला है, ये जो सारा झोल चपाटा है, इसका अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन है। और अगर ये बात सच है तो फिर ये बहुत बड़ा केस बनने वाला है, ये बहुत बड़ी सुई घूम रही है, बहुत बड़ा चक्का और पहिया घूम रहा है। क्योंकि जो वधावन ब्रदर्स है, दोनों भाई जो HDIL कंपनी के मुख्य प्रमोटर्स हैं, ये जो है एक रियल स्टेट कंपनी है, उसके ये दोनों वधावन ब्रदर्स प्रमोटर्स हैं, दोनों के दोनों जेल में हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। ये दोनों भाई डिफॉल्टर होने के बावजूद इनको 6,500 करोड़ का लोन
दिया गया था पीएनसी बैंक से और डीएचएफएल बैंक से। आप सोचो, आप और मैं तो अगर एक रुपया इधर उधर कर दे तो हमारे तो डंडे पड़ जाएं। और इन दोनों को, इन चोर उचक्के गुंडे बदमाशों को डिफॉल्टर होने के बावजूद इन बैंक्स ने 6,500 करोड़ रुपए का लोन दिया। अब वो पैसा कहां से आया था बैंक्स के पास, कहां से आया था? इनके पिताजी ने तो जमा नहीं किया था ना, ये बड़े बड़े जो शिवसेना के सांसद आदि पकड़े जा रहे हैं, इनके पिताजी ने तो नहीं दिया था ना, ये वधावन ब्रदर्स ने अपनी जमीन बेच के बिठाए। भैया, आपके मेरे जैसे जो सामान्य नागरिक हैं, जो अपना अपना मेहनत करते हैं, मेहनत का पैसा कमाते हैं, उनका पैसा वहां जमा था, उठा उठा करके तुमने लोन के नाम पर दे दिया। और आज तमाम वो लोग जिन्होंने उस पीएमसी, उस बैंक, उस कोऑपरेटिव बैंक पर भरोसा किया, वो सड़क पर है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये सारे के सारे अपना पैसा खा पी करके बैठ गए। मतलब आप सोचो, 6,500 करोड़ रुपए, मतलब एक दो तीन चार पांच दस करोड़ रुपए की बात भी नहीं है, इतनी लंबी अमाउंट आपने एक ऐसे व्यक्ति को दे दी जो ऑलरेडी डिफॉल्टर है। मजाक चल रहा है क्या? खाने का हलवा है क्या? खाने की खिचड़ी है, जो मर्जी आएगी आप वो करोगे? तमाशा तो नहीं चल रहा है? और उसके बाद आरबीआई ने ये पीएमसी पर मोरेटोरियम लगाया, उसके बाद उनके जब संज्ञान में आया। तो ये जो भी कहानी है इसमें, जिसका भी है मतलब अंडरवर्ड, ये वर्ड, वो वर्ड, शिवसेना के ये नेता जिनका भी हाथ है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। इनको भी तो पता चले कि जनता को इतना बेवकूफ बनाने का, इतना बुद्धू बनाने का, उनके हार्ड एंड मनी को खाने का क्या नतीजा हो सकता है। और अब ये जो पूरी कहानी है पीएमसी बैंक घोटाले की, इसके ऊपर ईडी बड़ी सख्ताई से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूं कि जब भी शिवसैनिक कहलाने वाले ये नेता लोगों की किसी भी प्रकार की सूचना आपके पास आए तो आप लोग मुझे दे दीजिए, टैग कर दीजिए, डीएम कर दीजिए, ताकि वो मेरे संज्ञान में आए। अगर मुझे नहीं संज्ञान में लाते हैं तो आप लोग स्वयं बोलिए, उस बारे में बात उठाइए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले इतने महीनों से हमको न्याय नहीं दिया। न्याय से अगर सुशांत अगर न्याय से आज वंचित है तो इन लोगों की सरकार की वजह से ही है, वरना अब तक सच्चाई आपके, मेरे, सुशांत के पिता के, सबके सामने आ चुकी होती, सुशांत की आत्मा को शांति चुकी होती, आप और मैं इस तरीके से गिड़गिड़ा नहीं रहे होते, रो नहीं रहे होते, सीबीआई को इतनी मुश्किल नहीं होती इन्वेस्टिगेट करने में। मैं आपको साफ बता दूं, अगर इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर वहां पर वो जो गोरख धंधा चला वो ना चला होता तो सीबीआई को भी इतनी समस्याएं ना होती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, सच्चाई हमको पता चल जाती और हमको यह जानकारी मिल जाती कि आफ्टर ऑल सुशांत सिंह राजपूत के साथ 13 जून की रात को या 14 तारीख की सुबह हुआ तो क्या हुआ। तो मत भूलिए कि इनकी सच्चाई सामने लाना आपकी मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और हम इस लड़ाई को मिलकर के लड़ेंगे। अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो चाहती हूं कि एक एक सच्चाई पता चले, क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास करती हूं कि अगर आपने कोई गलती नहीं करी, आपका कोई पॉलिटिकल विच हंट कर रहा है, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल स्कोर्स आपके साथ सेटल कर रहा है, कोई आपकी तरक्की से चिढ़ता है, जलता है और उसके बाद आपके ऊपर FIR कर रहे हैं या आपके आपके खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, सच निकल करके आ जाएगा। क्योंकि आप अपना फैक्ट जब सामने रखेंगे तो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, हमारी जो कानून प्रणाली है, वो अननेसेसरी किसी को तंग नहीं करती है, उनको समझ में आ जाता है कि भाई इनको अननेसेसरी बिना बात में जिद के तहत और द्वेष के तहत टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर आपने गलती की है तो उसका प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।